में माशा महजब हो ही नहीं सकता जिसके अंदर एहसास ना हो, रहम ना हो। कुछ सोचे कि इतनी सेहत, ये जो सड़कों पर सोते हैं इनकी सेहत के ऊपर क्या गुजरती होगी। हमारे में एहसास की कमी है, वसाइल की कमी नहीं है। Hey guys, welcome back to our channel. So we are back with another reaction video and today we're gonna react on Imran Khan TikTok video. और ये बिल्कुल नई TikTok होने वाली है इमरान की, इमरान खान की। हालांकि थोड़ी थोड़ी पुरानी पिक्चर में ऐसे कि यार इमरान खान कब बाहर आए, उनके हमें और मूवमेंट्स मिले, लोग एडिट कर रहे और हमें नई नई TikTok देखने के लिए मिले। फिलहाल तो हमें वही थोड़ी बहुत पुराने TikTok से उनका काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि इमरान खान हम सभी को पता है कि 8-9 महीने से जेल में ही है। बाकी देखते हैं कि ये वाली टिकटॉक कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। उनको जेल में जा रहे हैं यार, देख रहा हूँ बच्चे कितना प्यार कर रहे हैं यार। बच्चों का दिल जीतना ना बहुत बड़ी बात है क्योंकि मासूम है बच्चे, देखना दूसरे को कुछ नहीं पता है। अकेला रखने वाले कैदियों की याददाश्त मुतासिर होती है, वो उसकी याददाश्त को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। कौन सी चीज है जो उसको नहीं टूटने दे रही? इमरान खान की याददाश्त नहीं टूटने दे रही उसकी आजादी की उम्मीद। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी बड़ी फजीलें, ये जंजीरें जेल में डाल रही है। मेंटल टॉर्चर है, कितनी गलत बात है। ये तो देखा जाए, आप टॉर्चर कर रहे हो। किससे तोहफों में लाऊंगा, कितने सही आदमी था यार। कहा अफगान का डर है, कहा अफगान तो होगा, कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। 15 बॉलर हैं, 15 बॉलर और एक बैट्समैन है और उससे वो खौफजदा है। एक खौफ वो है जिससे सब आशना है और एक खौफ इमरान खान का है। तो क्या बात है, एक बार में एक साथ बोल पे। और सही में इमरान खान का जो खौफ है ना वो किसी का भी नहीं है, फिर भी आउट नहीं कर पा रहे। इमरान खान की नाक पर रहा में बेसहारा अफराद के आधी रहायशगा में गर्म बिस्तर बिछवा दिए गए हैं। वजीर अला को हिदायत कर दी गई है कि वो शर्जा होम से जो है वो गर्म बिस्तर जो है वो रूम के लिए रखवाते हैं और साथ ही साथ खाने का बंदोबस्त भी किया जाए। वजीर आजम इमरान खान आज पेशावर का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान पेशावर में शेल्टर होम का इफ्तिताह करेंगे। रहने की जगह दी, गरम बिस्तर पर भिजवाए, खुद विजिट भी किया। आप ये मनाज़िर इस पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पनाहगाह का दौरा कर रहे हैं और वहाँ फराहम की जाने वाली जो सहूलियात हैं उनका जायजा ले रहे हैं। आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये विजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में कोई भी अपना शख्स जो है वो पनाहगाह के बगैर ना रहे, खासतौर पर वो अफराद के जो मजदूरी के घर से दूसरे शहरों में जाते हैं और उनके पास सहूलत नहीं होती है उनके रहने के लिए, उनके लिए खासतौर पर ये मंसूबा जो है शुरू किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पनाहगाह के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पनाहगाह का दौरा किया, वहाँ पर जो फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात हैं उन सहूलियात का जायजा भी लिया। आम आदमी को जो खाना दिया जाता है वो खाना खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खा रहे हैं। खाना अच्छा है, बहुत अच्छा खाना। तो दो दिन से क्या मिला है आपको खाने में? खाने में गोश्त मिला है। गोश्त मिला है आपको? अच्छा, तो आप खुश हैं? तो आपने होटल से खाना क्यों नहीं खाया? होटल से खाना खाया है। तो ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम है इमरान खान का। इमरान खान है।
इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा तरह इंतजाम किया है, सारा हमला बड़ा अच्छा है, खान पीने वास्ते बहुत कुछ है। इमरान खान साहब मेरा पैगाम है कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। खैर आफाक जिला साहब को और जिला साहब को ये याद रखना कि आज तक कोई भी दुनिया में माशा महजब हो ही नहीं सकता जिसके अंदर एहसास ना हो, रहम ना हो। कोई सोचे कि जिससे ये जो सड़कों पर सोते हैं जिससे के ऊपर क्या गुजरती होगी। हमारे में एहसास की कमी है, वसाइल की कमी नहीं है, एहसास नहीं है। एक तस्वीर आई अभी वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, एक मजदूर लगता है मजदूर और वो अपने दो चार या पांच साल के बच्चों के साथ सड़क पर सोया हुआ कम्बल है। अगर इस तरह की तस्वीर देख के अगर लोगों के दिलों में अगर रहम नहीं है, मैं समझता हूँ वो इंसान ही नहीं है। सही तो गवर्नमेंट चलती रहती है, लेकिन जब एक गवर्नमेंट इस तरह के काम करती है अल्लाह की बरकत आती है। आप किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को। क्या वजह है? वजह यह है कि जो काम इसने तीन साल में किए ना, ये जो दूसरे नहीं दो, एक पीपल पार्टी एक नून लीग, उन्होंने आज तक नहीं किया। इन्होंने सिर्फ सड़कें बनाई हैं वो जिसमें लोहा ज्यादा लगा। इसने गरीबों के लिए 14,000, गरीबों के राशन, गरीबों के लिए सेहत कार्ड जो आज तक पूरी दुनिया में नहीं चला, ठीक है। तो बहुत काम किए, फिर उन्होंने श्रीलंका में आगे मुसलमानों को साड़ देते थे, अब वो दफनाते हैं। वहाँ गया अपना सऊदी अरब, वहाँ से अपने कैदी उन्होंने रिहा कराए। उसने ये नहीं कहा मुझे स्टील मिल लगाने दें, मुझे फलान लगाने दें, उन्होंने कहा मेरे मुझे गरीब हैं जो पकड़े हैं ये थे, इसलिए पीटीआई। पीटीआई वाह, वजह है लोगों को इनको चाहने। लोग मतलब लिटरली उनके लिए बहुत करते हैं भाई। इस मन के फूलों पर बहुत दया लगती है, का हर जल्ला आफ्ताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, मेहरूबर तुम्हारी है। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, कॉमेडियन सही नहीं है कोई। देखो खाना जैसा कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं मेरे सामने बैठ गया खाना बहुत खराब है, मैंने कहीं नहीं कहना अंदर खाना खराब है, पकाने वाला खराब है। तो मुल्क बुरा नहीं होता है, उसमें रहने वाले अच्छे बुरे होते हैं। तो पाकिस्तान सच्चा मुल्क कोई है ही नहीं। 47 से बना, सब लूट के खा रहे फिर भी खत्म नहीं हो रहा, खड़ा मुस्कुरा रहा खाओ। शकील नाम था। वाओ, बहुत कमाल की वीडियो थी। और जो लास्ट वाली रील थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी कि कोई भी जो मुल्क होता है वो खराब नहीं होता है, जो उसको चलाने वाले होते हैं वो खराब होते हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात बोली, जो खाना होता है कभी भी, जो अनाज होता है वो कभी भी खराब नहीं होता है, जो बनाने वाले होते हैं वो खराब होते हैं। तो वही बात है कि जो पाकिस्तान को बहुत गंदे लीडर मिले, और वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट वो था जो बच्चे वाली वीडियो दिखाई, सच में कैसे रोड पे थे और इतना छोटा सा उसको बेचारा सर उल्टा करके ऐसे था। बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में सीरियसली। और इमरान खान ही जो थे वो ही अच्छा कर रहे थे और अब वो भी जेल में बैठे हैं। तो आई होप कुछ ऐसा करिश्मा हो कि वो बाहर आए और तो पाकिस्तान में सुधार करे। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।